हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ऑलराइट, तो स्टूडेंट बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि जो ऑप्शंस हमारे पास हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स होते क्या है। ऑलराइट, फिर हम अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहां मैं लिखता हूँ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। देखिए, ऐसे नंबर जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रीअकरिंग हो। ओके, यानी कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ऑलराइट, मैं लिख लेता हूं अ नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऑलराइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रैशनल नंबर, उनको रैशनल नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर अ नंबर having non-terminating and reoccurring, इस केस में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती हैं। डेसिमल एक्सपेंशन उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए, हम वन बाय वन अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन पाई। सो पाई की अगर हम लोग बात करें तो पाई इज बेसिकली इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर। ऑलराइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो जब भी आप सर्कल की वैल्यूज को चेंज करेंगे, रेडियस को चेंज करेंगे, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पाई है देन पाई वैल्यूज इज इक्वल टू 3.1415 9265 एंड सो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ना तो वो रिपीट हो रही हैं और ना ही वो टर्मिनेट हो रही हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे लिए, इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें रूट नाइन की, तो देखिए तो स्क्वायर रूट है, इसको ओपन करिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन यू विल गेट 3। ओके, थर्ड केस की बात करें 1/4, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं देन वैल्यू विल बी 0.25। तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, और ये तो ऑलरेडी ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज अगेन रैशनल नंबर एंड द लास्ट वन दैट इज 1/5। सो 1/5 को आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 0.2, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ऑलराइट, तो सारे कंक्लूजन के बाद हम देख सकते हैं दैट ऑप्शन ए दैट इज पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। So the final answer is pi is an irrational number and correct option is A. All right, thank you. I hope your doubt is clear with this video. If it's so, then please like it, share it with your friends, and if you still have a doubt,
then you may share your query either through comment section or you may contact me. Contact details are available in a description box. Okay. One more thing. Free live online maths classes for class 9th and 10th. Daily at 9 p.m. only on YouTube. So don't forget it. Join it. See you there. Jai Hind.